मैं भी नाड़ीमल का रहने वाला हूँ। इस बारे में मुझे ये कहना पता नहीं किसने मारा हो, पता नहीं किसने मारा, मगर रात का टाइम था, बहुत अंधेरा था उस टाइम। तो मैं श्रीनगर में उस टाइम मजदूरी करता था, फिर जब यहाँ आए तो हर किसी को उसका दुख है, हर किसी का दुख, इस वक्त भी दुख है, क्योंकि हम इस वक्त भी ये चाहता है कि हमारे पंडित हमारे गांव में रहना चाहिए, हमारे गांव में रहे। बहुत समझ लो कि पता नहीं क्या हो रहा है कश्मीर में, पता नहीं कौन सा सियासत लोग है, क्या है, क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, मगर असलियत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, एक ही है सब। जहाँ जो कश्मीरी पंडित नाड़ीमल का पंडित है, हम उसी का इस वक्त भी खा रहा है, उसी के ज़मीन मजदूरी मजगत कर रहा है, उसका खा रहा है, मगर हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये पंडित वापस आना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, मैं उस टाइम मैं इसी गांव में रहना चाहता हूँ, मैं इस वक्त फ्रिसल में रहता हूँ। जब ये वाका हुआ उस टाइम जो पुलिस वाला था वो भी उसी टाइम पता नहीं किसने मारा था, उस कम से कम दो तीन बंदे हैं उसने मारा उनको, मगर हम उसी रोज़ यहाँ से निकल गए। मेरे पास कुछ थोड़ा 5-10 मरला ज़मीन है मकान के लिए, मैंने उसको बेच दिया, मैंने घास चराई खरीद लिया, उस पर रहना पसंद किया, मगर इस गांव में मैं अब नहीं रहता हूं। मैं ये है कि यहां पता नहीं यहां मज़ा ही नहीं, अब मज़ा ही नहीं, अब यहां इस गांव में मज़ा ही नहीं। हमारा वहां शेख माला है, उस इस नाले के उस पार 10-20 घर थे, वो इतने डरते थे कि पूछो मत। इस वक्त को भी रात को वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पता नहीं यहाँ का वो आज भी वो याददाश्त है, पता नहीं अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्या पता है किसने क्या किया। इसीलिए हम हर कोई मजबूर है, बात है हमें, हम इस वक्त भी ये कहना चाहते कि हमारा पंडित हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सच्चा आदमी थे वो, हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठा है, वो सच्चा आदमी है, मगर जो ये बना रहे सियासत लोग, फिल्में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं देश के लिए, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, सब एक एक सारा सब झूठ है। हम कोई भी सबूत करके दे दो कि किसी कश्मीरी भाई ने ऐसे किया है, पता नहीं ये सियासत लोग कैसे, सियासतदान कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है इस वक्त, मगर वो लोग तो हमसे सेफ है, वो लोग हमसे सेफ है, मगर हम इस वक्त सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीर के।